हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो सेशन लेकर के। और इसमें हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 के लिए कुछ एस्पायरेंट जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2020 में, साल के 2020 पिछले साल। तो फ्रेंड्स, अभी आज जो सुनवाई चली थी उसके आखिर में क्या हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये हुई। पहली बात ही बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि आखिर में क्या हुआ था। आखिर में ये हुआ कि अब इस पे कोई नई दलील नहीं सुनी जाएगी, मतलब मैटर हैज बीन कंक्लूडेड और कोर्ट ने, मतलब बेंच ने इस पे अपना फैसला जो है रिजर्व कर लिया है। फैसला 3 से 4 दिन में आने की चांसेस हैं। मतलब कल तो एक नोट मांगा गया है यूपीएससी के जो रिस्पोंडेंट है उनके तरफ से। अभी मैं बताता हूँ लास्ट में हुआ क्या। तो मिस्टर सिसोदिया जी, एएससी के बाद मिस्टर सिसोदिया जी से, तो उन्होंने कहा ऑफर रहता है तो ये गलत होगा। मतलब जो ये ऑफर दिया गया है, जो जिसका सिक्स अटेम्प्ट, मतलब लास्ट अटेम्प्ट जिनका था, और अगर वो एज बार नहीं हुए हैं तो ये सिसोदिया सर कह रहे हैं कि इनको भी नहीं मिलना चाहिए। तो इनको तो कोर्ट ने ऐसे ही भगा दिया। तो बोथ साइड से और फुली एंड वी नो द सिचुएशन, आइदर वी डिसमिस ऑल द पिटीशन और वी गिव एन ऑर्डर। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आता है कोर्ट और कोई सारे पिटीशन खारिज कर देगा या कोई ऑर्डर देगा, बीच में नहीं रह सकता कोर्ट। बेंच कहता है हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, आइदर वे एक्सेप्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली या तो गवर्नमेंट का स्टैंड एक्सेप्ट करें या फिर एस्पायरेंट के तरफ फेवर में हम फैसला दे दें। तो यहाँ पे सिसोदिया सर कहते हैं आई वुड बिसीज द कोर्ट टू एक्सरसाइज बेनेवोलेंस। काफी डिफिकल्ट तो नहीं है, पर यहाँ जो ये कहने का मतलब है, जो आपको भला लगे आप वही करें, इन शॉर्ट यही है। तो कोर्ट कहता है बेनेवोलेंस कैन नॉट बी अगेंस्ट लॉ, मतलब भलाई लॉ के अगेंस्ट में नहीं हो सकती। तो सिसोदिया सर कहते हैं बेनेवोलेंस टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो कहते हैं कि कैंडिडेट के, मतलब कि ये इस बार वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका कहना है कि बेसिक इन्हीं को मिलना चाहिए। तो बेंच कहता है देन दिस डिसीजन में अफेक्ट कैंडिडेट्स हु आर नॉट देयर बिफोर अस। तो फिर दिक्कत उनके लिए हो जाएगी जो हमारे पास नहीं आए हुए हैं। फिर नरसिम्हा सर आते हैं और बोलते हैं दिस ऑफर मेड बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी मेड टू सीम दैट वी कैन टेक आइदर टेक इट और लीव इट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो ऑफर कर रही है वो या तो ले सकते हैं या फिर छोड़ दें। बेंच कहता है योर आर्गुमेंट इज दैट द ऑफर इज आर्बिट्रेरी। तो बेंच यहाँ नरसिम्हन सर को कहता है कि आपको लगता है ये ऑफर आर्बिट्रेरी है, तो अगर यही आपका सबमिशन है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर एडवोकेट नरेश कौशिक भी हैं जो प्रेजेंट हैं और कहते हैं अब आप बोलिए, वी डोंट नो वेयर यू हैव ड्रॉप्ड यू फ्रॉम। हमें नहीं लगता कि आप यहाँ कहाँ से आप कूदे हैं। तो कौशिक सर कहते हैं कि आई अपीयर फॉर यूपीएससी। तो बेंच कहता है ओह यूपीएससी, वी शुड हैव हर्ड यू देन, हमें आपको सुन लेना चाहिए था। बेंच डायरेक्ट कौशिक टू सबमिट ए नोट। तो बेंच कहता है कौशिक सर से, जो यूपीएससी के रेस्पॉन्डेंट है, कि आप एज लिमिट पे और लेटरल एंट्री में, जैसे लेटरल एंट्री में तो एज 45 है, तो आप जब 33 वाले को नहीं दे रहे हैं तो 45 वाले को कैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन आ गया है गवर्नमेंट के स्टैंड पे भी। तो उस पे एक दिन या दो दिन में आप, या आज ही मांगा गया है, कल तक मांगा गया है कि आप इस पे दे दें, अपना नोट सबमिट कर दें, आपका क्या आइडिया है, क्या आपके विचार है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मैटर हैज बीन कंक्लूडेड। यहाँ पे कोर्ट के टर्म में ये होता है मैटर हैज बीन, कि अब कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, अब कुछ नहीं, बस एक नोट जो है, बस वही लास्ट है इसमें, वो मांगा गया है यूपीएससी के रेस्पोंडेंट कौशिक सर से, और उसके बाद इसमें कुछ नया नहीं होगा। अब मैटर पे जो जजमेंट आना बाकी है, तो फैसला यही है कि अब इसमें जजमेंट आना सिर्फ बाकी है। यूपीएससी रिजर्व द जजमेंट ऑन द पिटीशन सीकिंग एक्स्ट्रा चांस फॉर द लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी कैंडिडेट एस्पायरेंट। तो यहाँ पे मामला यही है कि अभी लास्ट अटेम्प्ट वाले को, अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि कब इसका फैसला आता है। तो जब तक यूपीएससी के रिस्पोंडेंट कौशिक सर अपना नोट सबमिट नहीं करेंगे, तो कल या परसों में इस पर फैसला आने की, तो इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि नोटिफिकेशन जो है डिले होगा, तो बहुत ज्यादा दिन से डिले नहीं होगा, मैक्सिमम 1 or 2 डे से डिले होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 27 जून को ही होने वाला है। तो आप, अगर आपको अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो, और आप अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, तो आप जी जान से लगे रहिए और पेपर पे पूरा फोकस कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल, जी जान से इस बार जो मौका मिला है उसको गंवाना नहीं है, जाने नहीं देना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल, थैंक यू सो मच।